ब्रजेशना बुखारिया ने हाल ही में संपन्न हुई मिस इंडिया डेफ स्पर्धा को जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिष्णा का उनके गृह नगर टीकमगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिष्णा जल्द ही मिस वर्ल्ड डेफ स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए ताइवान जाएंगी। मैं यदि कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कामयाबी की अपार संभावनाएं आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ जिले की रहने वाली दिव्यांग देशना ने, जिन्होंने हाल ही में जयपुर में संपन्न हुए मिस इंडिया डेफ कॉन्टेस्ट में मिस इंडिया का खिताब हासिल कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। देशना अब मिस वर्ल्ड डेफ स्पर्धा में हिस्सा लेने ताइवान जाएंगी और उनके हौसले को देख लगता है कि वे यहाँ भी एक बेहतर मुकाम हासिल कर देश को गौरवान्वित होने का मौका देंगी। कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी इस क्षेत्र में कभी चयनित होगी, ये तो कल्पना भी नहीं की थी। स्वाभाविक है इसकी क्षमताओं को निखारने में इसकी माँ का बहुत प्रयास है। बहुत मुश्किल होता है, पौने 3 साल की उम्र में इंटरव्यू दिलाया, 3 साल की उम्र में अपने कलेजे से अलग करके हॉस्टल में छोड़ देना दूसरों के भरोसे, बहुत दर्द का समय था। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, समय की तपस्या आज हमें गौरवान्वित कर रही है। विदेश जाना है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, विदेश जाके फर्स्ट आना है, भारत का नाम रोशन करना है। वो कह रही है जॉब करके जो छोटे छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाना है और गवर्नमेंट जॉब करके पैसे जो मिलेंगे उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। बचपन से ही बोलने और सुनने में असमर्थ देशना में शुरू से ही कुछ कर गुजरने का जज्बा था। देशना ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई भोपाल से की और वे अध्ययन में भी हमेशा अव्वल रही हैं। यही वजह है कि जब मिस इंडिया डेफ कंपटीशन के अलग अलग राउंड्स में देशना ने हिस्सा लिया तो अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल के जरिए देश के अलग अलग स्थान से आई प्रतिस्पर्धियों को मात देकर इस खिताब पर कब्जा जमाया। स्पर्धा में जीत हासिल करने के बाद वे अपने गृह नगर टीकमगढ़ पहुंची तो यहाँ गर्म जोशी से उनका स्वागत किया गया। शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा देशना का अभिनंदन किया गया। उनकी इस उपलब्धि से देशना के परिजन और मित्रों में भी खासा उत्साह देखा गया। आज इसको देख देख कितनी खुशी हो रही कि देखो तो इतने बच्चे, इन बच्चों में हाई स्कूल लड़कियों में हमारी लड़की ने काम नाम कमा लिया। कहां से भगवान, हम लोगों ने किसी का भी इसको सहयोग नहीं है, ये सब अपने आप अपने इसकी बुद्धि का सहयोग है, इसकी प्रतिभा का है जो कुछ ये अपने आप से पढ़ी थी वहीं पर। हम तो 2.5 साल की दे आए थे, वहीं इसकी पढ़ाई लिखाई हुई, इसकी रहना हुआ, ये सब इसने अपने आप से गई। मेहंदी आर्ट और जूड़ो कराटे मतलब हर क्षेत्र में ये आगे रही है। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और एक और चीज मुझे एहसास हुआ है, मैं कहना चाहूंगा उन माता पिता से और समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों से जो कि अपने बच्चों में एक असाधारण जो क्षमताएं होती हैं और खासतौर से इस तरीके के बच्चे जिन घरों में पैदा होते हैं दिव्यांग होते हैं तो वो उन्हें क्या करते हैं कि उपेक्षा करते हैं कि उनको ये तो ऐसे ही है, ये सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उनको एक तो कोई सराहना नहीं देते हैं। आज उनके लिए ये आदर्श है, मिसाल है देशना के माता पिता और देशना खुद कि आप देख सकते हैं कि यदि आप उनको अप्रिशिएट करते हैं या उनको प्रोत्साहन देते हैं तो आगे बहुत ही ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं और आपका नाम रोशन कर सकते हैं। देशना ने अपनी इस उपलब्धि से कुदरत से मिल असक्षमता को मूंछ चिढ़ाने का काम किया है और अपने जैसे लाखों दिव्यांगों के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और हौसले की नजीर पेश की है। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ अंकुर जैन, डीडी न्यूज भोपाल। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूक